हिंदी पेडागॉजी का अगला पार्ट लेकर आए हैं। मैंने आपको कुछ बिंदु या उनके माध्यम से समझाने की कोशिश की थी कि हिंदी शिक्षा शास्त्र को कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। मैंने आपको 15 से 16 वो पॉइंट हैं वो बताए थे। अब हम महत्वपूर्ण तथ्यों में 17वें महत्वपूर्ण तत्व चलेंगे। मैंने आपसे कहा था कि मैं 30-35 आपको पॉइंट बताऊंगी और उन्हीं से आपके क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का नेक्स्ट। भाषा शिक्षा के उपागम की बात करेंगे आज हम, ठीक है, अपने अगले बिंदु में। इसको आप 16वां 17वां या जो भी आपने लिखा हो, आज का पहला है। भाषा शिक्षा के उपागम से भी कई बार क्वेश्चन देखने को मिला है टेट एग्जामिनेशन में, तो हम इसको जान लेते हैं। बच्चों, भाषा शिक्षा के उपागम की बात करें तो उपागम का मतलब वैसे होता है क्षेत्र। उपागम का मतलब होता है क्षेत्र, जी, ठीक है। दो उपागम होते हैं भाषा शिक्षण के। भाषा शिक्षण मतलब बच्चों को भाषा का अधिगम कराने के लिए जिन चीज़ों का, जिन शिक्षकों का, जिन माध्यमों का उपयोग किया जाता है, ठीक है, उसी को बोलेंगे उपागम। तो यहाँ भाषा शिक्षण के जो उपागम है वो दो उपागम होते हैं। पहला होता है बच्चों पाठ संसर्ग उपागम, दूसरा होता है रचना शिक्षण उपागम, ठीक है। दोनों को जान लेते हैं। पढ़ाते समय भाषा के तत्वों की शिक्षा प्रदान करना, पढ़ाते समय भाषा के तत्वों की शिक्षा प्रदान करना ही आपका होता है पाठ संसर्ग उपागम और रचना शिक्षण उपागम, ठीक है। दोनों ही चीजें, पाठ को पढ़ाते समय भाषा के तत्वों की शिक्षा प्रदान करना, दोनों का मतलब एक ही है। अब अलग अलग कैसे हैं ये अभी हम आगे देखते हैं। पहले देखिए कि भाषा के तत्व कौन कौन से होते हैं। भाषा के तत्वों से यहाँ तात्पर्य क्या है, ठीक है। आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा यहाँ पर, तो पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। फिलहाल हम देख रहे हैं यहाँ भाषा के तत्वों से क्या तात्पर्य है वो देख रहे हैं। भाषा के तत्वों का मतलब होता है बच्चों उच्चारण करना, शब्दार्थ का प्रयोग करना या वाक्य की संरचना बनाना, ये सभी भाषा के तत्व हैं। माने कि शब्द, उनका अर्थ, वाक्य की संरचना, ये सब भाषा के तत्व कहलाते हैं। और जब इनकी शिक्षा एक टीचर आपको प्रोवाइड करता है तो वही कहलाता है पाठ संसर्ग उपागम या रचना शिक्षण उपागम, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं तो दोनों में अंतर क्या है। दोनों में अंतर देख लेते हैं। भाषिक तत्वों की क्रियात्मक शिक्षा प्रदान करता है जब शिक्षक, तो वो होता है पाठ संसर्ग उपागम। भाषिक तत्वों की क्रियात्मक शिक्षा जब शिक्षक प्रदान करेगा तो वो होगा आपका पाठ संसर्ग उपागम, ठीक है। क्रियात्मक शिक्षा का मतलब हो गया कि बच्चे संज्ञा को जाने, बच्चे सर्वनाम को जाने, बच्चे शब्दों को पहचाने, बच्चे अर्थ को पहचाने, पढ़ने लगे किताब, ये सारी क्रियात्मक शिक्षा होती है। नेक्स्ट आता है रचना शिक्षण उपागम, तो इसको देख लेते हैं। बच्चों को भाषा के कलात्मक अवसर प्रदान करना, कलात्मक अवसर का मतलब होता है बच्चे भाषा की अभिव्यक्ति करना सीखें, बच्चे भाषा बोलना सीखें, भाषा का प्रयोग करना सीखें, भाषा की रचना करना सीखें, नए ज्ञान का सृजन करें, कलात्मक हो, गाना गाएं, संगीत, कला, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो रचना शिक्षण उपागम कहलाती हैं। मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना ही होता है कि पढ़ाते समय भाषा के तत्वों की शिक्षा प्रदान करना। यदि क्रियात्मक शिक्षा है तो पाठ संसर्ग उपागम होगा, यदि कलात्मक शिक्षा है तो रचना शिक्षण उपागम होगा। इनसे क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। चलिए कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपको समझ में आ गया है या नहीं। इनके जो क्वेश्चंस होंगे वो हम इसके बाद लेके आएंगे जब आप पूरा समझ लें। ये था आपका अगला पॉइंट, या फिर इसे 17 नंबर वाला पॉइंट बोल सकते हैं, ठीक है। अब हम चलेंगे अपने 18वें तत्व पर, ठीक है, देखते हैं। भाषा शिक्षण के सिद्धांत, ये आपका 18वां बिंदु है। अब इसमें बहुत सारे बिंदु शामिल है, यहाँ से भी क्वेश्चन जरूर आता है। भाषा शिक्षण के आपने सिद्धांत कई बार पढ़े होंगे, तो शॉर्टली इन्हें हम जान लेते हैं यहाँ पर कि भाषा शिक्षण के जो सिद्धांत है वो क्या है। सबसे पहला सिद्धांत ये है कि बच्चों को जब भाषा अधिगम कराया जाता है, चाहे वो स्वसर वाचन हो, चाहे वो यौन वाचन हो और चाहे वो द्वित वाचन हो, उसके कुछ नियम होते हैं, उसका एक क्रम होता है। इन क्रमों को जिनके तहत जाना जाता है वही सिद्धांत कहलाते हैं या थ्योरी कहलाते हैं। भाषा को सिखाना है। अब सिखाने के लिए पहला सिद्धांत कह रहे हैं कि बच्चों को
रुचि जागृत करो, यानी रुचि जागृत करने का सिद्धांत, यानी कि पढ़ाने के लिए बच्चों में पहले इंटरेस्ट लाओ भाषा के प्रति, तब आप भाषा का अधिगम जो है वो अच्छा करा पाएंगे। तो पहला सिद्धांत कहता है रुचि जागृत करने का सिद्धांत, माना भाषा शिक्षण के माध्यम से आप बच्चों में भाषा के प्रति रुचि जागृत करें। दूसरा है प्रेरणा का सिद्धांत। प्रेरणा माने भाषा को पढ़ने, भाषा को बोलने, अभिव्यक्त करने के कौशल के लिए बच्चों को मोटिवेट करना आवश्यक है। उन्हें कुछ टारगेट दीजिए, उन्हें कुछ मोटिवेशन दीजिए, उन्हें कुछ पुरस्कार दीजिए कि बच्चे जो है वो प्रेरित हो जाएं भाषा को अधिगम करने के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत। क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत, क्रिया कुछ भी हो सकती है, खेल खेल कर सीख सकते हैं बच्चे, प्रतियोगिता करके सीख सकते हैं, यानी कि बच्चों को जो भी शिक्षक भाषा शिक्षण करा रहा है वह क्रियात्मक बच्चों को रखे और बच्चों को कुछ टारगेट, कुछ क्रियाएं दे, कुछ एक्टिविटी दे और उनसे भाषा शिक्षण करवाए। वो एक्टिविटी कोई खेल भी हो सकता है, जैसे कि शाब्दिक अंताक्षरी खेलना, कई बार चार पर्चियों पर नाम लिखकर, या फिर किसी का नाम, वस्तु, शहर, सिनेमा, ऐसे कई खेल होते हैं जो बच्चों में भाषा के कौशल को विकसित करते हैं। फिर है विभाजन का सिद्धांत। विभाजन का सिद्धांत का मतलब है, मान लीजिए कक्षा चार की एक हिंदी की बुक है, उसमें सारे चैप्टर दिए हैं जिसमें कुछ कहानी भी है, कुछ निबंध भी है, कुछ कविताएं भी हैं, कुछ गद्यांश भी हैं, कुछ जीवनी भी है, जो भी है, यानी सारे चैप्टर को अलग अलग इकाइयों में बांटे, ठीक है, गद्य शिक्षण, पद्य शिक्षण, या फिर उन्हें पाठों में बांटे कि भाई इतना पाठ हम यहाँ पढ़ेंगे, इतने पाठ हम इस टाइम पढ़ेंगे। तो इकाइयों और पाठों में विभाजन करें, बच्चों को भाषा शिक्षण अधिगम कराते समय उन्हें बताएं कविता अलग होती है, गद्यांश अलग होता है, गद्यांश में निबंध अलग होता है, कहानी अलग होती है, ये सब। पांचवा सिद्धांत जो है वो है आपका पुनरावृत्ति का सिद्धांत, यानी कि बच्चों को जब भाषा का अधिगम कराया जा रहा है तो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है वो दोहराना सीखें, बार बार अभ्यास करें, क्योंकि करत करत अभ्यास के जन्मति हो सुझा, यानी कि अभ्यास जितना करेंगे, दोहराएंगे जितना, उतना ही अच्छा अधिगम वो कर पाएंगे। नेक्स्ट है स्वाभाविकता विधि के अनुसरण करना। स्वाभाविकता विधि, आप समझिए बच्चे स्वयं भाषा अर्जन करते हैं, ठीक है ना, भाषा अर्जन करना हम लोगों का स्वाभाविक गुण है, चाहे वो हिंदी भाषा हो, चाहे वो इंग्लिश भाषा हो, या फिर कोई भी भाषा हो, अगर हम भाषा पर पकड़ बनाना चाहते हैं तो भाषा अर्जित की हुई ज़्यादा अच्छी होती है, और अर्जित करने के लिए भाषा का एनवायरनमेंट होना चाहिए। तो स्वाभाविक विधि का अनुसरण करवाएं, यानी कि ऐसा एनवायरनमेंट बच्चों के लिए लेके आए कि बच्चे स्वयं भाषा सीखें, स्वाभाविक विधि से भाषा को सीखें। क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्रियाशीलता का सिद्धांत यह कहता है कि बच्चों को भाषा का प्रयोग करवाएं, बच्चों को भाषा का प्रयोग करवाएं, उन्हें भाषा के कौशलों से अवगत कराएं, एक्टिविटी उनको करवाएं जिससे कि जो क्रियाशीलता है बच्चों में वो डेवलप हो अधिगम के प्रति। नेक्स्ट देख लेते हैं मौखिक कार्य अथवा बोलचाल से भाषा को सिखाने का सिद्धांत। मौखिक कार्य माने कि बच्चों को बुलवाएं, पाठ पढ़वाएं, बच्चों को एकांकी, नाटक आदि सम करवाते समय बच्चों को इस चीज से रिलेट करें, बार बार पाठों में उनको कलात्मक रूप से कोई जैसे कहते हैं ना, एक पार्ट दे देते हैं नाटक में या एकांकी में कि भाई तुम राम बन गए, तुम सीता बन गए, इस तरह के जो भाषा है वो मौखिक कार्य के रूप में करवाएं, अथवा बोलचाल की भाषा में, यानी कि बच्चे आपस में संवाद करें। तो ये भी एक सिद्धांत है भाषा का अधिगम कराने का। फिर रहते हैं शुद्धता व क्रम का योजन या क्रमायोजन सिद्धांत, यानी कि भाषा जब भी बच्चे सीखें तो ध्यान रहे भाषा की शुद्धता बहुत ज़रूरी है, यानी कि बच्चों को व्याकरण का ज्ञान कराना ज़रूरी है जब बच्चे भाषा का अधिगम कर रहे हैं। बच्चे भाषा अधिगम कर रहे हैं तो व्याकरण शिक्षण का ज्ञान ज़रूर कराया जाए बच्चों को, ठीक है। फिर है भाषा के विभिन्न अंगों के क्रम, भाषा के विभिन्न अंगों के उन्हें क्रम बनाए कि भैया पहले, सबसे पहले आपको अगर भाषा सीखना है तो सबसे पहले अच्छी तरह सुनो, उसके बाद आप उसको बोलो, यानी कि सुनना के बाद बोलना, उसके बाद में आपका पढ़ना,
और उसके बाद है लिखना। इस चीज को एक शिक्षक को बच्चों को भाषा अधिगम के समय जरूर बताना चाहिए कि भाषा का एक क्रम होता है सीखने का। अगर आप उच्चारण कौशल सुधारना चाहते हैं तो अच्छा सुनना पड़ेगा, तभी आप अच्छा बोलेंगे। अगर आप लिखने का कौशल सुधारना चाहते हैं तो पहले अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तभी आप अच्छे से लिख पाएंगे। एक एक कौशल एक दूसरे से रिलेट करता है बाय क्रम यानी कि सीरीज, ठीक है। चलिए इसके बाद हम देख रहे हैं समन्वय का सिद्धांत। समन्वय का सिद्धांत, समन्वय का मतलब होता है कि जो बच्चे हैं वो एडजस्ट करें। जैसे कि मान लीजिए द्विभाषिक बच्चे होते हैं जो अलग अलग भाषा बोलते हैं, ठीक है, या फिर बच्चे जब शिक्षक कक्षा में भाषा बोलते हैं तो वो अपनी अलग एक मातृभाषा लेकर आते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिए एक शिक्षक को मातृभाषा का मतलब मातृभाषा का सम्मान करते हुए इसके साथ ही दूसरी भाषा बच्चों को सिखानी चाहिए। इसी को बोलते हैं समन्वय का सिद्धांत, यानी कि यहाँ शिक्षक और छात्र दोनों ही एडजस्टमेंट करते हैं भाषा अधिगम के समय। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्रम योजन का सिद्धांत। क्रम योजन का सिद्धांत माने स्टेप बाय स्टेप सीखें। पहले बच्चे को शब्द बताएं, पहले वर्ण बताएं, फिर शब्द बताएं और फिर वाक्य बताएं, यानी कि क्रम से सिखाएं किसी भी चीज को। ऐसा नहीं है कि पहले आप उसे वाक्य बता दें और उसके बाद फिर उसे आप शब्द बता दें और फिर वर्ण। पहले आप वर्ण से परिचित कराइए, फिर आप शब्द से परिचित कराइए, उसके बाद वाक्य से परिचित कराइए। फिर है आपका रोचकता का सिद्धांत, माने कहानी, कविताएं और कह सकते हैं ऐसी चीजें जिसमें बच्चों को मजा आता हो। रोचकता जरूर होना चाहिए भाषा शिक्षण में, भाषिक कौशल के लिए। इसलिए ज्यादातर जो प्राइमरी एजुकेशन है वहाँ कविता या पद्य शिक्षण पर ज्यादा जोर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये बच्चों में आनंद की अनुभूति करवाते हैं, ठीक है। चलिए व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। बच्चों आपको पता है कि जो